जी स्टूडेंट्स, आज नेटवर्क सिक्योरिटी में हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है आईपी सिक्योरिटी। आईपी सिक्योरिटी जैसे कि नाम से पता चल रहा है, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल से रिलेटेड सिक्योरिटी है। ये इंटरनेट प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो एक्चुअली ये सिक्योरिटी हमारे पास नेटवर्क लेयर पे यूज़ होने वाली सिक्योरिटी है। नेटवर्क लेयर ऐसी लेयर है जो हमारी सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और ये वो लेयर है जहाँ पे हमारा डेटा एक नेटवर्क से निकल के, एक नेटवर्क की बाउंड्स से निकल के दूसरे नेटवर्क में एंटर होता है। तो जैसे ही डेटा एक अपनी नेटवर्क बाउंड को छोड़ के दूसरे नेटवर्क की बाउंड में एंटर होना चाहता है तो वहाँ पर भी बहुत से सिक्योरिटी रिस्क होते हैं जिन्हें हैंडल करने के लिए आईपी सिक्योरिटी को नेटवर्क लेयर लेवल पे इंप्लीमेंट किया हुआ है। आईपी सिक्योरिटी जो है बेसिकली बहुत सी उसकी बहुत इट हैव अ रेंज ऑफ एप्लीकेशन स्पेसिफिक सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स, यानी ये बहुत सी सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स के साथ मिलकर एक्चुअली काम कर रहा है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, उनसे सपोर्ट ले रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें तो आईपी सिक्योरिटी नेटवर्क लेयर पे है, उससे ऊपर वाली लेयर हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर, वहाँ पर हमारे पास SSL एंड HTTPS यूज़ होता है, कर्बरोज हमारे पास यूज़ होता है, आपके पास डिफरेंट तरह की यूज़र ऑथेंटिकेशन के लिए ऑन द नेटवर्क लेयर एंड ऑन डिफरेंट लेयर्स ऑफ कम्युनिकेशन, एंड PGP इसी तरह हमारे पास यूज़ होता है ईमेल सिक्योरिटी के लिए, एंड SSL MIMI भी आपके पास एप्लीकेशन लेयर पे सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स हैं, एल्गोरिदम्स हैं। तो ये इन सबको बेसिकली इन सब के साथ मिलकर आईपी सिक्योरिटी भी काम करता है। और हमारे पास सिक्योरिटी के बहुत से कंसर्न्स हैं जो कि दैट कट अक्रॉस प्रोटोकॉल लेयर्स, जो कि हर प्रोटोकॉल लेयर पे हमें चाहिए होते हैं। हमें सिक्योरिटी की इम्प्लीमेंटेशन चाहिए बाय द नेटवर्क फॉर ऑल एप्लीकेशंस, यानी हमें सिर्फ और सिर्फ अगर हम एक पूरे नेटवर्क को सिक्योर बनाना चाहते हैं तो फिर हम सिर्फ किसी कम्युनिकेशन की नेटवर्क की एक लेयर पे बात नहीं करेंगे बल्कि उसकी सारी लेयर्स की बात करेंगे। जैसे कि डेटा लिंक लेयर पे डेटा है, देन उसके बाद नेटवर्क लेयर पे फिजिकल लेयर से डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक के बाद नेटवर्क लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर, एंड हर लेयर पे बेसिकली डेटा की सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए प्रोटोकॉल्स एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह आज हम जिस प्रोटोकॉल को देखने वाले हैं वो नेटवर्क लेयर पे यूज़ होने वाला प्रोटोकॉल है, नेटवर्क लेयर पे यूज़ होने वाला बेसिकली सिक्योरिटी का एल्गोरिथम है जिसे हम आईपी सिक्योरिटी का नाम देंगे। अगर हम आईपी सिक्योरिटी की एप्लीकेशन देखें तो हमारे पास बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर आईपी सिक्योरिटी यूज़ होती है, जैसे कि सिक्योर ब्रांच ऑफिस कनेक्टिविटी हमने करनी है इंटरनेट पे, यानी एक ऑफिस की या एक कंपनी की मल्टीपल ब्रांच ऑफिसेज हैं उनको हमने ओवर द इंटरनेट कनेक्ट करना है, तो वो सेम आईपी को यूज़ करते हुए, डिफरेंट आईपी को यूज़ करते हुए जब उन्होंने कम्युनिकेशन करनी है वाया नेटवर्क लेयर तो वहाँ पे आईपी सिक्योरिटी की ज़रूरत है। सिक्योर रिमोट एक्सेस ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू हमने रिमोट एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बैठे हुए बहुत ही डिस्टेंस एरिया पे किसी दूसरी कंट्री में पड़े हुए कंप्यूटर का रिमोटली एक्सेस करना चाहते हैं, वहाँ पे आईपी सिक्योरिटी का होना ज़रूरी है। इस्टेब्लिश करना है अगर हमने एक्सट्रानेट एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी विद पार्टनर्स, किसी भी अपने पार्टनर्स के साथ नेटवर्क पर जो कम्युनिकेशन के हमारे पार्टनर्स हैं उनके साथ हमने एक्स्ट्रानेट बनाना है या फिर इंट्रानेट बनाना है आपस का, या आउटसाइड नेटवर्क बनाना है, तो उसके लिए हमें आईपी सिक्योरिटी की वहाँ पे ज़रूरत है। देन एक्सचेंजिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सिक्योरिटी, ई कॉमर्स बिजनेस जो बेसिकली हमारे पास बिजनेस का एक मोड, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का मोड है, वहाँ पे सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए उसको इन्हेंस करने के लिए बेसिकली उस कम्युनिकेशन को, ई कॉमर्स की कम्युनिकेशन को, की सिक्योरिटी को इन्हेंस करने के लिए वहाँ पे सिक्योरिटी के जो है ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए आईपी सिक्योरिटी यूज़ होती है। सो अगर हम आईपी सिक्योरिटी की बात करें तो ऑलमोस्ट हमारे पास एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, जहाँ पे भी एवरी फील्ड, एवरी कॉर्नर ऑफ कम्युनिकेशन, एवरी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, नॉट एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, बेसिकली एवरी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में हमारे पास जब भी आउटसाइड द नेटवर्क कम्युनिकेशन करनी है या डिस्टेंस पे कम्युनिकेशन करनी है मल्टीपल नेटवर्क्स के क्रॉस, तो वहाँ पर आईपी सिक्योरिटी की ज़रूरत हमें पड़ती है। आईपी सिक्योरिटी का जो है जनरल आईपी सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स जो हैं वो एक्चुअली किस मकसद के लिए बनाए गए हैं, आईपी सिक्योरिटी को बनाया गया है ऑथेंटिकेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करने के लिए और की के मैनेजमेंट के लिए। एप्लीकेबल है टू यूज़ ओवर लैंड अक्रॉस पब्लिक एंड प्राइवेट लैंड एंड फॉर इंटरनेट, यानी चाहे हमारे पास स्मॉल नेटवर्क्स हैं, लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं, उसमें मल्टीपल ऑफिस, एक कंपनी के मल्टीपल ऑफिस का लैंड है,
उनकी कम्युनिकेशन में आईपी सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। पब्लिक आपके पास वाइड एरिया नेटवर्क्स हैं या फिर आपके पास सबसे बड़ा पब्लिक नेटवर्क इंटरनेट है, तो वहाँ पर भी आईपी सिक्योरिटी को यूज़ किया जाता है। इसकी नीड 1994 में आइडेंटिफाई हुई और रिपोर्ट की गई, और फिर ये समझ में आया कि आईपी लेवल पे, यानी नेटवर्क लेवल पे जहाँ पे आईपी के थ्रू कम्युनिकेशन हो रही है, IPv4 या फिर IPv6 में, वहाँ पर इंक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत है फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन। IPv4 एंड IPv6 क्या है आपको याद होना चाहिए। IPv4 बेसिकली, और IPv6 आपके पास आईपी एड्रेसिंग स्कीम्स हैं। करंटली हमारे पास IPv4 एड्रेसिंग स्कीम में है, जिसमें 4 बाइट यानी 32 बिट्स हैं। IPv6 में 6 बाइट्स यानी कि आपके पास 48 बिट्स के आईपी एड्रेसेस होते हैं। बहरहाल जी, 1994 में ये रिपोर्ट किया गया कि देर इज़ द नीड ऑफ आईपी सिक्योरिटी फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर आईपी नेटवर्क। आईपी सिक्योरिटी के अगर हम यूज़र्स की बात करें, तो यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप के यूज़र्स नज़र आ रहे हैं और नेटवर्क्स नज़र आ रहे हैं, जिनके दरमियान सिक्योर आईपी कम्युनिकेशन, आईपी के थ्रू सिक्योर कम्युनिकेशन की गई है। हमारे पास सबसे ऊपर टॉपिक यूज़र सिस्टम है, जिसमें आईपी सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेड है। तो उससे जो भी मैसेज निकलता है, यानी इस कंप्यूटर के पास आईपी सिक्योरिटी का एल्गोरिदम इम्प्लीमेंटेड है, तो यहाँ से जो भी मैसेज बनता है उसमें आईपी का हेडर, आईपी सिक्योरिटी हेडर, आईपी हेडर तो आपके पास आईपी प्रोटोकॉल का हेडर है, प्लस इसमें आईपी सिक्योरिटी का हेडर और सिक्योर आईपी पेलोड। पेलोड एक्चुअली द पोर्शन ऑफ द डेटा, यानी जिसके अंदर वो आपका फील्ड फ्रेम का पैकेट का सॉरी पैकेट का वो वाला पोर्शन जिसके अंदर डाटा है, उसे पेलोड बोलते हैं। और ये सिक्योर है, सिक्योर मींस ये इनक्रिप्टेड है यहाँ पे मैसेज। और आईपी सिक्योरिटी हेडर के थ्रू ऑथेंटिकेशन की जाती है आपके पैकेट्स की ओवर द नेटवर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ आईपी। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑथेंटिकेशन है वो आईपी की बेस पे है। पेलोड को सिक्योर जो किया गया है वो भी आईपी की ही बेस पे किया गया। बहरहाल ये मैसेज जब जैसे किसी पब्लिक इंटरनेट में या फिर प्राइवेट नेटवर्क में, किसी भी पब्लिक या फिर प्राइवेट नेटवर्क के अंदर मूव करता है, तो वो आगे से इसको जब पास करता है, तो एज इट इज़ मैसेज को यानी सिक्योर फॉर्म में ही आईपी हेडर, आईपी सिक्योरिटी हेडर एंड सिक्योर आईपी पेलोड के साथ मूव करता है नेटवर्किंग डिवाइसेस को। नेटवर्किंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस जो कि आपके पास किसी भी नेटवर्क के अंदर लगी होती हैं, नेटवर्क के अंदर इन एंड आउट ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपके पास यहाँ पे कोई राउटर लगा हुआ है, तो राउटर जो है इस लैन से या इस वैन से, अगर हम इसे लैन या वैन बोलते हैं, तो इस नेटवर्क से डाटा को बाहर लेके जाने वाला और अंदर लेके आने वाला ये नेटवर्किंग डिवाइस है। मोस्ट प्रॉब्ली ये हमारे पास राउटर होता है जो आउटसाइड द नेटवर्क पब्लिक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होता है। बहरहाल जी, ये राउटर उस मैसेज को लेता है और इधर नेट स्विच जो आपके पास लैन का स्विच है, लैन का डिवाइस है, उसके पास पास करता है। और जब वो उसको पास करता है, तो वो सिर्फ उसको आईपी हेडर और आईपी पेलोड देता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपके पास वो आईपी सिक्योरिटी हेडर एंड सिक्योरिटी यानी ऑथेंटिकेशन करके ये नेटवर्किंग डिवाइस जो है, जिसके अंदर आईपी सिक्योरिटी को हमने इंप्लीमेंट किया हुआ है, ये आने वाले पैकेट्स के आईपी की बेस पे ऑथेंटिकेशन यूजिंग द आईपी सिक्योरिटी हेडर एंड सिक्योर आईपी पेलोड्स को डिक्रिप्ट करके उससे आईपी पेलोड निकाल के, तो फिर आईपी हेडर और आईपी पेलोड जो है इथरनेट स्विच को फॉरवर्ड करता है, जो कि अपने नेटवर्क की डिवाइसेस को फॉरवर्ड करता है। सिमिलरली यहाँ से जब पैकेट आता है इस नेटवर्किंग डिवाइस के पास, जिसमें आईपी सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेड है, अगर ये राउटर है या कोई भी डिवाइस है, तो इसने भी वही करना है कि आईपी सिक्योरिटी हेडर की बेस पे इस पैकेट की ऑथेंटिकेशन और सिक्योर आईपी पेलोड को डिक्रिप्ट करके उसे आईपी पेलोड बनाना है और लैन के अंदर इथरनेट स्विच लगा हुआ है तो उसे फॉरवर्ड करना है और उसने अपने कंप्यूटर को फॉरवर्ड करना है। इसी तरह अगर इस लैन से डाटा बाहर जाना है, इस लैन से डाटा मैसेज जब बनना है, आईपी मैसेज बनना है, यानी आउटसाइड द नेटवर्क के लिए मैसेज बनना है, तो ये जब कंप्यूटर से मैसेज बनेगा, तो वो सिर्फ आईपी हेडर और आईपी पेलोड डालेगा, वो सिक्योरिटी डाल नहीं सकता, क्योंकि ये कंप्यूटर्स आईपी सिक्योरिटी कंटेन नहीं करते। बल्कि जब ये मैसेज जाएगा नेटवर्किंग डिवाइस के पास, जो कि इन एंड आउट का एक गेट है, लाइक राउटर है, नेटवर्क के अंदर आने वाली और बाहर जाने वाली ट्रैफिक को जो चेक करता है, वो क्या करेगा, इस आईपी पैकेट को के अंदर आईपी सिक्योरिटी हेडर और आईपी पेलोड को आईपी सिक्योर आईपी पेलोड बनाएगा, यानी ऑथेंटिकेशन ऑफ द सेंडर ऑफ द नेट अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क एंड सिक्योर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द मैसेज बाय इंक्रिप्टिंग द मैसेज जो है, इस तरह का पैकेट बनाता है जिसके अंदर आईपी हेडर, आईपी सिक्योरिटी हेडर और सिक्योर आईपी पेलोड होता है, और फिर उस पैकेट को फॉरवर्ड करता है ऑन द पब्लिक नेटवर्क फॉर अदर यूजर्स। ठीक
ठीक है जी। तो इसका मतलब है आपके पास ऐसी डिवाइसेस जिनमें आईपी सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेड है, वहाँ से जो भी मैसेज निकलेगा वो सिक्योर मैसेज निकलेगा विच विल कंटेन आईपी सिक्योरिटी। ठीक है, आउटसाइड द नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए हमेशा हमें सिक्योर आईपी कम्युनिकेशन करनी है। आईपी सिक्योरिटी हमारे पास कम्युनिकेशन में हमारे पैकेट्स के अंदर इंक्लूड होनी चाहिए, तभी हमारे पास कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होती है, बेसिकली सिक्योर होती है, सिक्योर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन होती है। अदरवाइज सिक्योरिटी रिस्क फेस करने पड़ते हैं हमें आउटसाइड द नेटवर्क कम्युनिकेशन करते हुए। आईपी सिक्योरिटी के अगर हम बेनिफिट्स देखें तो अगर ये किसी फायरवॉल या राउटर के अंदर इम्प्लीमेंटेड है तो इट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी टू ऑल ट्रैफिक क्रॉसिंग द प्रमिसेस पैरामीटर और प्रमिसेस। ये देखे ना, अगर ये राउटर में इम्प्लीमेंटेड है तो बहुत सिक्योरली इसने अंदर आने वाले ट्रैफिक को भी जज करना है और बाहर निकलने वाले ट्रैफिक को भी सिक्योर फॉर्म में बाहर लेकर जाना है। अगर ये फायरवॉल या राउटर के अंदर है तो इज रेजिस्टेंस टू बाईपास, यानी कि ये मैसेजेस को ऐसे नहीं जाने देगा, ना आने देगा ना जाने देगा, बल्कि प्रॉपर आईपी सिक्योरिटी को चेक करने के बाद ये अंदर बाहर आने और जाने देगा। फायरवॉल का वैसे भी यही काम है, आप फायरवॉल पे पहले असाइनमेंट भी बना चुके हैं। फायरवॉल का काम ही ये है कि ये नेटवर्क के अंदर या कंप्यूटर के अंदर आने वाली, अगर हम कंप्यूटर के लेवल पे देखें तो कंप्यूटर की फायरवॉल किसी भी एक कंप्यूटर के अंदर आने वाली और बाहर जाने वाली ट्रैफिक के लिए गेट भी होता है, जहाँ पे एक चेकिंग सिस्टम, एक गार्ड सिस्टम होता है जो चेक करता है और कुछ पैरामीटर्स को अगर डाटा पूरा करता है तो उसे इन या आउट की परमिशन मिलती है। फिर सिमिलरली फायरवॉल या राउटर अगर हम बात करते हैं तो वो भी यही काम करते हैं कि परमिट ही डाटा को तब करता है अंदर आना या बाहर जाना जब तक वो आईपी सिक्योरिटी के पैरामीटर्स को पूरा नहीं कर लेता। आईपी सिक्योरिटी इज़ बिलो ट्रांसपोर्ट लेयर, हैंस ट्रांसपेरेंट टू एप्लीकेशंस, यानी कि जो एप्लीकेशंस जिनके थ्रू हम नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम मेल कर रहे हैं या हम फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो चूंकि एप्लीकेशन लेयर पे हैं और आईपी सिक्योरिटी ट्रांसपोर्ट लेयर से भी नीचे है, इसलिए हम जो जिन एप्लीकेशंस के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं उनको पता भी नहीं होता कि नीचे वाली लेयर्स पे कहीं पर आईपी सिक्योरिटी भी इम्प्लीमेंटेड है। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली काम करती है, कैन बी ट्रांसपेरेंट टू एंड यूजर्स, यानी जो भी एंड यूजर्स हैं आपके नेटवर्क के उनके लिए बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट होता है। और ये कैन प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर इंडिविजुअल यूजर्स, इंडिविजुअल यूजर्स की को भी ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होता है, यानी अगर इंडिविजुअली हम अपनी कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे हम अगर सिक्योर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं ओवर द नेटवर्क यूजिंग द आईपी, तो वहाँ पे आईपी एड्रेसेस जहाँ पर भी यूज़ हो रहे हैं वहाँ पर आईपी सिक्योरिटी को यूज़ किया जा सकता है। और सिक्योर्स राउटिंग आर्किटेक्चर, राउटिंग आर्किटेक्चर को भी ये सिक्योर करने में हेल्प करता है। अगर हम आईपी सिक्योरिटी के आर्किटेक्चर की बात करें तो आईपी सिक्योरिटी के आर्किटेक्चर के हिसाब से बेसिकली इसकी स्पेसिफिकेशंस क्वाइट कॉम्प्लेक्स हैं, यानी इसके आर्किटेक्चर में बहुत सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। अगर हम इसका आर्किटेक्चर देखें तो वो जिस डॉक्यूमेंट के अंडर वो एग्जिस्ट करता है वो RFC 4301 है और उसका नाम है सिक्योरिटी आर्किटेक्चर फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। देन ऑथेंटिकेशन हेडर के लिए आपके पास 4302 के नाम से डॉक्यूमेंट है। इनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी पे लोड इसके अंदर शामिल है, जिसके लिए 4303 आईपी इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड यानी ESP है। इसके अलावा इंटरनेट की एक्सचेंज के लिए जो इसका डॉक्यूमेंट है वो है आपके पास RFC 4306। इसके अलावा ये क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स और कुछ अदर एस्पेक्ट्स को भी इंक्लूड करके आईपी सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करता है। बहरहाल जी, आईपी सिक्योरिटी हमारे पास बहुत सी चीज़ों जिसमें सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, ऑथेंटिकेशन हेडर, इनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी पेलोड, इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड एंड इंटरनेट की एक्सचेंज जैसे टॉपिक्स को कवर करता है। अगर हम आईपी सिक्योरिटी की सर्विसेज की बात करें तो वो जिन सर्विसेज जो सर्विसेज आईपी सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करता है वो हमारे पास एक्सेस कंट्रोल, कनेक्शन लेस इंटेग्रिटी, डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन, रिजेक्शन ऑफ फ्री प्लेयर पैकेट्स, यानी एक्सेस कंट्रोल के लिए आईपी सिक्योरिटी को हम यूज़ करते हैं। कनेक्शन लेस इंटेग्रिटी, अगर हमने अपने डेटा की अटेन करनी है तो उसके लिए आईपी सिक्योरिटी यूज़ होता है। डेटा ओरिजिन की ऑथेंटिकेशन के लिए आईपी सिक्योरिटी यूज़ होता है। इसके अलावा रिपीटेड अटैक से बचने के लिए, कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए, अनलिमिटेड ट्रैफिक फ्लो कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए भी आईपी सिक्योरिटी को यूज़ किया जाता है। आईपी सिक्योरिटी दो मोड्स में इंप्लीमेंट होता है, एक है ट्रांसपोर्ट मोड और दूसरा है टनल मोड।
ट्रांसपोर्ट मोड ऐसा मोड है जिसमें डेटा को इनक्रिप्ट तो किया जाता है लेकिन ऑप्शनली ऑथेंटिकेट किया जाता है, यानी इनक्रिप्शन, यानी अगर हम बात करें आईपी सिक्योरिटी की, तो वो अगर दो हमें मेन सर्विसेज यानी कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, तो ट्रांसपोर्ट मोड में डेटा को सिर्फ इनक्रिप्ट करना लाजमी होता है, ऑथेंटिक आईपी डेटा को ऑथेंटिकेट करना या ना करना ऑप्शनल होता है, एंड कैन डू ट्राफिक एनालिसिस बट इज़ एफिशियंट। ट्रांसपोर्ट मोड में ट्रैफिक का एनालिसिस हो सकता है, गुड है, बेटर है, या आपके पास ESP होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन के लिए, यानी कि इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड्स जो हैं उनकी दो कंप्यूटर्स के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए ट्रांसपोर्ट मोड बेटर है, क्योंकि ये फास्ट काम करता है, एफिशिएंटली काम करता है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ सिर्फ डाटा की इंक्रिप्शन है, ऑथेंटिकेशन नहीं है, तो दो होस्ट इनके दरमियान ऑलरेडी हैंड शेकिंग हुई हुई है, जो एक दूसरे को जानते हैं, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट मोड यूज़ करते हुए सिर्फ डाटा को कॉन्फिडेंशियल फॉर्म में इंक्रिप्ट करके ESP पैकेट्स बना के सेंड कर दिया जाता है और रिसीव कर लिया जाता है, जबकि टनल मोड में पूरे पूरे आईपी पैकेट को इनक्रिप्ट किया जाता है, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके मैसेज को नहीं, बल्कि मैसेज की इंक्रिप्शन नहीं, बल्कि सिर्फ आईपी पेलोड की इंक्रिप्शन नहीं, बल्कि पूरे के पूरे आईपी पैकेट को, यानी आईपी हेडर जो है उसको भी सिक्योर किया जाता है, किस तरह से उसके अंदर ऑथेंटिकेशन ऐड करके, यानी कि टनल मोड ना सिर्फ डाटा को इनक्रिप्ट करता है बल्कि ऑथेंटिकेशन भी प्रोवाइड करता है, उसके लिए ये नया हेडर डालता है फॉर नेक्स्ट हुप, जिसे हम आईपी सिक्योरिटी हेडर बोलते हैं, नेक्स्ट हुप यानी जो जिसका रिसीवर है उसके लिए आईपी सिक्योरिटी हेडर ऐड किया जाता है पैकेट के अंदर, और नो राउटर्स ऑन वे कैन एग्जामिन इनर आईपी हेडर, कोई भी जो दरमियान में आने वाले राउटर्स हैं, चाहे वो इंट्रूडर्स के हैं, चाहे वो एक्चुअल यूज़र्स के, ऑथेंटिकेटेड यूज़र्स के हैं नेटवर्क के, तो वो आईपी हेडर सिर्फ आईपी हेडर देख सकते हैं, सिक्योर आईपी हेडर, आई सिक्योर सिक्योरिटी हेडर वाला हेडर नहीं देख सकते, यानी बाहर वाला इनवेलप तो देख सकते हैं लेकिन अंदर वाला इनवेलप वो नहीं देख सकते, और ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स के लिए और गेटवे टू गेटवे सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास टनल मोड बेस्ट मोड है। टनल मोड बिल्कुल इस तरह से है ना कि एक टनल की तरह, एक सुरंग से, एक तंग रास्ते से कोई चीज़ पास करती है और नज़र नहीं आती, तो बिल्कुल टनल मोड ऐसे ही है जिसमें डाटा के पूरे पैकेट को इनकैप्सुलेट कर दिया जाता है, सॉरी इनक्रिप्ट कर दिया जाता है, जिसमें आईपी सिक्योरिटी हैडर भी ऐड कर दिया जाता है। अब देखने वाले को सिर्फ बाहर वाला आईपी हेडर नज़र आ रहा होता है, उसको इनर हेडर, यानी उसको बाहर वाला सिक्योरिटी का हेडर नज़र आ रहा है, इनर हेडर उसे नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से वो कभी भी मैसेज की स्पेसिफिकेशंस के बारे में कोई भी अदर यूज़र नहीं जान सकता, और ये हमारे पास टनल मोड ज़्यादा सिक्योर मोड है आईपी सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने का। ट्रांसपोर्ट एंड टनल मोड को अगर हम डायग्राम्स के थ्रू ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, तो ट्रांसपोर्ट लेवल सिक्योरिटी के लिए आप यूज़ करते हैं जी टनल मोड को, टनल मोड को अगर सिर्फ ट्रांसपोर्ट लेवल सिक्योरिटी करनी है तो आईपी सिक्योरिटी का टनल मोड यूज़ होगा, जो कि इनक्रिप्ट करता है TCP सेशन, यानी TCP जो कम्युनिकेशन हो रही है सिर्फ उस डाटा को, ओनली डाटा को, जो डाटा जा रहा है और आ रहा है उसे सिक्योर करता है क्रिप्टोग्राफी के थ्रू इनक्रिप्ट करके, जबकि जो आपके पास है टनल मोड वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स में यूज़ होता है, जहाँ पे आपके पास डिफरेंट कॉर्पोरेट नेटवर्क्स इंटरनेट के थ्रू जब आपस में कनेक्टेड हैं, तो वो इनक्रिप्टेड टनल कैरिंग आईपी ट्रैफिक को लेकर जाते और आते हैं, क्योंकि वो पूरे के पूरे आईपी पैकेट को इनक्रिप्ट करते हैं, सिर्फ उसमें से डाटा वाले पोर्शन को इनक्रिप्ट नहीं करते। ट्रांसपोर्ट एंड टनल मोड के अगर हम प्रोटोकॉल्स की बात करें, तो दोनों के प्रोटोकॉल्स में भी थोड़ा सा फ़र्क है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं आईपी सिक्योरिटी के लेवल पे, ट्रांसपोर्ट मोड में ओरिजिनल आईपी का हेडर है, इसके अलावा ESP का हेडर है। ESP हेडर हमने यही कहा ना कि आपके पास एक्चुअली ट्रांसपोर्ट मोड ESP होस्ट यानी इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड्स, यहाँ पे सिर्फ सिर्फ डाटा को इनकैप्सुलेट किया जाता है, तो उस डाटा को इनक्रिप्ट किया जाता है, तो वो उस इनक्रिप्टेड डाटा की इनकैप्सुलेशन हेडर कंटेन करता है, जिसमें सेशन की हो सकती है डाटा को डिक्रिप्ट करने की। फिर TCP हेडर वैसे ही आपके पास TCP कम्युनिकेशन का डाटा, ESP का ट्रेलर और ESP की ऑथेंटिकेशन इसके अंदर इंक्लूड होती है, जबकि टनल मोड में हमारे पास डिफरेंट है, एक नया आईपी हेडर लगाया जाता है ऊपर, ठीक है, जो कि सिक्योरिटी हेडर है प्लस ESP का हेडर उसके अंदर वैसे ही होता है, ओरिजिनल आईपी का हेडर भी मौजूद होता है, TCP का हेडर भी, डाटा भी, ESP ट्रेलर भी और ESP ऑथेंटिकेशन भी, लेकिन यहाँ पर कोई नया आईपी हेडर बाहर आउटसाइड नहीं लगाया जाता फॉर फर्दर ऑथेंटिकेशन और फॉर द आउटर कवर, एज आउटर कवर, जबकि टनल मोड में एक और आउटर कवर लगा दिया जाता है न्यू आईपी हेडर के तौर पर आपके आईपी पैकेट्स के अंदर फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन।
अगर हम ट्रांसफर इंटरनल मोड को कंपेयर करें तो ट्रांसफर मोड आपके पास ऑथेंटिकेट करता है आईपी पेलोड के एंड सिलेक्टेड पोर्शन ऑफ आईपी हेडर, जबकि इंटरनल मोड जो है आपके पास आईपी पैकेट इनर हेडर प्लस पेलोड प्लस सिलेक्टेड पोर्शन, यानी जितना भी डाटा है और जितना भी पोर्शन आप सिलेक्ट करते हैं उस सारे को ये ऑथेंटिकेट करता है। ये ट्रांसपोर्ट मोड में आपके पास इनक्रिप्ट किया जाता है आईपी पेलोड्स को, जबकि टनल मोड में इंटायर आईपी पैकेट को किया जाता है। ईएसपी में ऑथेंटिकेशन जो आपके पास टनल मोड में ईएसपी की ऑथेंटिकेशन किस तरह से होती है कि आईपी पेलोड को इंक्रिप्ट करता है एंड एनी IPv6 एक्सटेंशन हेडर फॉलोइंग द ईएसपी हेडर ऑथेंटिकेट आईपी पेलोड बट नॉट आईपी हेडर। ये आईपी के यानी डाटा को तो ऑथेंटिकेट कर सकता है। आपके पास अगर आप देखो तो दोनों के अंदर ही ईएसपी ऑथेंटिकेशन का फील्ड यूज हो रहा है, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि ईएसपी की ऑथेंटिकेशन ट्रांसपोर्ट मोड में इतनी है कि वो सिर्फ और सिर्फ आईपी के पेलोड यानी डाटा वाले पोर्शन को ऑथेंटिकेट करता है, जबकि टनल मोड में आईपी पेलोड यानी डाटा प्लस जितना भी टोटल जितना भी डाटा प्लस आईपी हेडर जो है उसको पूरे के पूरे पैकेट को यानी इंटायर पैकेट को ऑथेंटिकेट किया जाता है। ठीक है जी, ट्रांसपोर्ट मोड में आपके पास ऑथेंटिकेशन आईपी पैकेट ही है, आईपी पेलोड की है, जबकि टनल मोड में कंप्लीट ऑथेंटिकेशन है। इसी तरह इंक्रिप्शन की बात करें तो ट्रांसपोर्ट मोड में सिर्फ डाटा इंक्रिप्ट होता है, जबकि टनल मोड में डाटा प्लस आईपी हेडर सारा कुछ इंक्रिप्ट होता है। सो ये है आपके पास आईपी सिक्योरिटी। आईपी सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, आईपी सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने के दो तरीके कौन से हैं, आईपी सिक्योरिटी क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, आईपी सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर किस तरह का है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे उसे यूज़ किया जाता है, क्या वो प्रोवाइड करता है और उसकी किस किस एरिया में आईपी सिक्योरिटी की हमें ज़रूरत पड़ती है। दैट्स ऑल अबाउट आईपी सिक्योरिटी।